गीत केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल्स, नाम भी इन्होंने थोड़ा केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल्स 465 में खरीदा है। नज़रिया लंबे अवधि का है, 5 साल का है, तो सही चुनाव है या नहीं है? इसका भी शॉर्ट का रिजल्ट आया होगा। वैसे केमिकल सेक्टर में बड़े मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन लार्जली जो रिजल्ट हैं वो उसमें मार्जिन बॉटम आउट, मार्जिन पे जो डेंट है, जो फॉल है, वो करेक्शन है, वो बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। तो केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल में भी सिचुएशन ऐसा ही लगता है, रिजल्ट आया होगा, ओवर हीट हो गया है, इसलिए डिप पे ही खरीदना है। जब भी डिप आएगी तो इसका जो क्लोज है अराउंड रेसिस्टेंस ही क्लोज हुआ है, कभी भी करेक्शन पुल ऑफ आएगा, लेकिन अब इसका वो 340 के आसपास का जो बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस हुआ है, अब उसके नीचे नहीं जाना चाहिए अंडर ऑल लाइक्लीहुड। बाय डिप्स का कैंडिडेट है, यही मेरा व्यू है। 340 के ऊपर, सॉरी, जो आज का 400 के आसपास का हाई है, 400 के ऊपर क्लोज होना शुरू होगा धीरे धीरे, जो कि एक समय में होना चाहिए अगर रिजल्ट सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये वापस फिर से चलने के सिचुएशन में आएगा। एज ऑफ नाउ यही कह सकते हैं कि अभी स्टॉक ओवरहीटेड है, टच नहीं करना चाहिए, लेकिन बाय डिप्स का कैंडिडेट बनता है जब तक अब 325-330 के नीचे क्लोज नहीं। जी, तो यहाँ पर जो नतीजे हैं अगर आप उसे एक नज़र में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफे में 20% की बढ़त दिखी है। अगर आप वैसे देखें पिछले बार के मुकाबले, मतलब साल दर साल, तो फिर मुनाफा जो है वो 90% के आसपास बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो जहाँ पर इससे पहले हमने देखा था एवरेस्ट कैंटो या उसके बाद एक और नाम में, तो वहाँ पे हमें नतीजों के चलते एकदम निगेटिव इम्पैक्ट दिखा था, और यहाँ उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ नतीजों के बाद काफ़ी तेज उछाल दिख रही है। तो अभी क्या, चूँकि इस बार पहले तिमाही के नतीजे जो हैं वो लगभग अपने अंतिम चरण में हैं, इस तरह के मतलब बड़े तीखे सरप्राइज वाले शेयर जो हैं जिसमें ज़्यादातर शायद निगेटिव सरप्राइज होंगे, क्या अब उस तरह की एक बाढ़ रहेगी कुछ समय तक? देखा तो वही गया है कि जो बैक वेंचर्स हैं वो पीछे से आते हैं और थोड़े शॉक देके जाते हैं, लेकिन अब ये भी थोड़ा उतना सही नहीं रहेगा कहना, बिकॉज हम ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अगस्त खत्म होने के सिचुएशन में हैं, लेकिन अच्छे अभी भी आ रहे हैं रिजल्ट्स, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो बिगनिंग की मेरी आज की कॉमेंट्री थी, आई थिंक लास्ट के 2-3 क्वेश्चन से वो कॉमेंट्री तो वैलिडेट हो जाती है, यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको मिलेगा और जहाँ पे रिजल्ट्स आपको ठीक दिखेंगे वहीं पे जगह बनेगी, तो वो इवैल्यूएशन बहुत जरूरी रहेगी यहाँ से आगे अगर खेलना है तो। रिजल्ट मिक्स्ड आते रहेंगे, अच्छे बुरे आते रहेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर इस तरह से आएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे दो चीज़ें अपने को इस बार फायदा करने वाली हैं, बिकॉज लास्ट ईयर का फाइनेंशियल रिजल्ट खत्म हुआ था मार्च क्वार्टर का, तो काफ़ी सारे एनुअल रिपोर्ट आएंगे, उससे भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि कंपनी के क्या प्लान्स हैं, आगे क्या फोकस है, और इस बारी के क्वार्टर का रिजल्ट उससे हम थोड़ा सा रिलेट करके भी देख सकते हैं कि कमेंट्री क्या है और परफॉर्मेंस क्या है, कहीं डाइकोटोमी तो नहीं है। अगर वैसा नहीं है तो ऐसे ऐसे कंपनीज में धीरे धीरे जगह बनेगी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक प्ले ही होगा यहाँ से। जी, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट के नज़रिए से भी देखें, एक चीज़ ये दिखती है कि जो मार्च में इसने बॉटम बनाया अपना लगभग 260 के आसपास का, वो बॉटम जो है उसको इसने अभी तक फिर वायलेट नहीं किया है, बल्कि उसके ऊपर ही कंसोलिडेट करके फिर जो सबसे ताज़ा बॉटम इसने 20 जून को बनाया था वो भी लगभग 266-265 के आसपास, और अब ये 38.2% रिट्रेसमेंट इसने पूरी कर ली है, और आज जो एकदम से ब्रेकआउट दिया है इसने, इसमें एक झटके से इसने 38.2% रिट्रेसमेंट को काटा है। तो क्या अब एक तरीके से ये माना जाए कि जब तक ये 380-375 इन सब के नीचे वापस न लुढ़कने लग जाए तब तक इसमें अपट्रेंड बना रहेगा, और फिर शायद ये 61.8% रिट्रेसमेंट की ओर जाने का एक प्रयास करें? सबसे पहला इसका हमको जवाब लेना होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अब इसको डिसअपॉइंट नहीं करना होगा, बिकॉज
इसने जो एक्सपेक्टेशन सेट किया है इस क्वार्टर में, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन, थोड़ी सी भी डिसअपॉइंटमेंट ठीक नहीं रहेगी। लेकिन इसका ये क्वार्टर का रिजल्ट ही इसको अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक 450 ले जाने के लिए काफ़ी है। बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्टेशन है, अगर मार्केट से सपोर्ट मिल गया, स्मॉल कैप इंडेक्स से सपोर्ट मिल गया, कितने की कंपनी है, 1,500 करोड़ की कंपनी है, अगर थोड़ा भी स्मॉल कैप से सपोर्ट मिल गया तो 450 पहुंचना अगले क्वार्टर तक कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि अब 325 के नीचे बहुत तेज शार्प आया है मूवमेंट, इसलिए कह रहा हूँ 325 के नीचे इसको क्लोज नहीं, उसके नीचे क्लोज होगा यानी कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 400 आ गया है लेकिन उसके पहले कोई लेवल निगेट भी नहीं होगा, 325 के पहले कोई भी इसका बुरा लेवल नहीं आएगा जी। यानी कुल मिलाकर के जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे का है, डीप सपोर्ट है, तो इसके चलते फिर रिस्क भी नहीं बढ़ जाता है क्या कि भाई 400 का है, 320 से पहले अगर हमें सपोर्ट ही नहीं दिख रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि जितना प्रॉफिट आज की तारीख में दिख रहा है वो शायद सारा का सारा निकल जाए, या आज की तारीख में नई एंट्री कर रहे हैं तो फिर जब तक पता चले कि निकलना चाहिए तब तक घाटा बड़ा लंबा हो गया। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ट्रेड कैसा बनता है, तो इसमें फिर से आप कुछ चीज़ अपने आप दिख जाती हैं। आप आज जाए तो इसका क्लोज है ना, यहीं पे आप इसका नेकलाइन बना सकते हैं। आप अगर हाई ले लें 11 जनवरी का और आज का हाई ले लीजिए, ये नेकलाइन बन जाएगा। तो नेकलाइन पे आने के बाद फाइट तो होगी ही होगी, थोड़ा बहुत ऊपर अगर ईयर्स भी होता है उसके बाद भी फाइट होगी। तो ये यहाँ से कूल ऑफ के पहले तो नहीं खरीदना चाहिए, अगर जाती है अपॉर्चुनिटी जाए कुछ और मिलेगी, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है ट्रेड जी। तो अगर ले रखा है तो फिर अलग बात है, इन्होंने खरीद ही रखा है, 465 में खरीद रखा है, तो इनके लिए तो चैलेंज है वापस के जहाँ पर इन्होंने खरीदा था वहाँ पे वापस लौटे, तो फिलहाल उसकी उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद अब ये आ जाएगा वहाँ तक जल्दी। देखिए आपने जो चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है ना, इसके क्लोज बेसिस पे एक अपने आप लाइन लगी हुई है, कुछ चीजें नेचुरली बन जाती हैं, वही इसका नेकलाइन, वो नेचुरल है। जी जी चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए। आपने पहले ही खरीद रखा है, बीच में काफी नीचे के स्तर देखे भी हैं, तो धैर्य के साथ आपने शायद इसको पकड़ के रखा भी है, शायद उतना रखने की जरूरत नहीं थी। अब वापस संभल रहा है तो शायद आपने जिन स्तर पर खरीदा है वो बस उस स्तर वापस आने की उम्मीद रहेगी।